अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हम अपने इस वीडियो में एक ऐसी अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं जिसकी मालूमात आप में से बहुत से लोगों को होगी, और जिनको नहीं है या गलत तरीका मालूम है वो हमारे वीडियो से जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इस्लाम में पाक साफ रहना बहुत जरूरी माना गया है। इबादत करने से पहले आपको बावजू होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे नमाज पढ़ें या फिर कलाम पाक की तिलावत करें या फिर कोई भी इबादत। बावजू रहने का अपने आप में अलग से ही एक बहुत बड़ा सबाब है। आज हम आपको बताएंगे कि वजू किन किन चीजों से टूट जाता है जिसके बाद आपको दोबारा वजू जरूरी है, यानी कि वजू वाजिब हो जाता है। हजरत अली इब्ने तलक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलीम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को हवा खारिज हो तो वजू वाजिब हो जाता है, यानी कि वजू उसके बाद आपको करना ही चाहिए। हवा खारिज होने के बाद वजू टूट जाता है। इसके अलावा नाजरीन, मजी निकलने से भी वजू वाजिब हो जाता है। मजी निकलने के बाद आपको गुस्ल करना चाहिए, और गुस्ल नहीं कर सकते तो वजू तो आप पर वाजिब है। इनके अलावा नाजरीन, पाखाना, पेशाब, बदी, मनी, कीड़ा, पथरी, मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकल जाना, जर्द पीले रंग का कहीं से पीप या मवाद निकलना, इससे भी वजू टूट जाता है। खून या पीप का किसी ऐसी जगह से बहना जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है। इसके अलावा मुंह भर के कह आना, इस तरह से सो जाना कि बदन के जोड़ ढीले पड़ जाए, बेहोश होना, पागल हो जाना, गशी होना, इन चीजों से वजू टूट जाता है। इनके अलावा नाजरीन, किसी चीज का इतना नशा होना कि चलने में पांव लड़खड़ाएं, बालिग आदमी का रुकू और सजदा वाली नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास वाले सुने, दुखती आंख से आंसू बहना, इन आंसुओं को नापाक माना गया है। मर्द का अपने आला को तुंदी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाना, या औरत का औरत से मिलाना, जब कोई चीज बीच में न हो, इससे भी वजू टूट जाता है। ये बाहरे शरीयत की बातें हैं। तो नाजरीन, ये जो मामलात हैं, ये जरूरी मसले हैं, इनको हमें और आपको सबको इनका ख्याल रखना चाहिए कि हम बावजू होकर ही इबादत करें। आमीन। नाजरीन, दीन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया होता है, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।